दोस्तों, आज आप जिस जगह पर काम कर रहे हो, जो भी नौकरी कर रहे हो या कोई मतलब जॉब कर रहे हो, किसी जगह पर काम कर रहे हो, आप हो सकता है कि आपको बहुत सारा पैसा मिल रहा है और आपका जो लाइफ है वो बहुत ही मज़े से कट रहा है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप आज जो पैसा कमा रहे हो आपको कैसे मिल रहा है? जब काम कर रहे हो तभी तो आपको सैलरी मिल रहा है, लेकिन अगर आप जब ज़्यादा उम्र के हो जाएंगे तब आपको क्या होगा? तब आप तो काम कर नहीं पाएंगे और आपको कोई सैलरी भी नहीं देगा। अगर आप अभी से आपका रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हो बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत बुरा चीज़ है, और सोच रहे हो तो करना चालू कर दीजिए। कैसे करना है वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप सोचते हो कि नहीं अभी तो बहुत मज़े से चल रहा है, तो आप अपने पापा को देखिए, मम्मी को देखिए, आसपास के जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको देखिए, क्या उन लोगों का भी मतलब क्या उन लोग कैसे रहते हैं। उन लोगों को भी पैसे का ज़रूरत पड़ता है और वो अपने बेटे पे, अपने मतलब जो कमाने वाला होता है घर में, उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो क्या आपका जब उम्र ज़्यादा हो जाएगा तब आप भी ऐसा सेम काम करेंगे क्या? क्योंकि सर्वाइव करने के लिए हर आदमी को, हर इंसान को पैसे का ज़रूरत पड़ता है। कुछ छोटी छोटी ज़रूरतें होते हैं, उसके लिए भी हमें दूसरे के पास हाथ फैलाना पड़ता है। तो आप अगर ऐसा सोचते हो कि नहीं हमें रिटायरमेंट का प्लान करना चाहिए, अगर आपका दिमाग अभी तक सोए हुए है तो जगा दो उनको और जगा के ये बोलो कि नहीं हमें रिटायरमेंट का प्लान करना है। और आप आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा चीज़ें दिखाऊंगा कि जिसको आप अगर करोगे तो आपको जब आपका उम्र 60 हो जाएगा तब उस उम्र में आपको कम से कम 5 करोड़ से ऊपर का पैसा मिलेगा, मतलब 5 crore से ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आज कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर कोई भी पेड़ लगाते हो, यानी कोई भी बीज लगाते हो, वो धीरे धीरे अंकुरित होकर धीरे धीरे बढ़ते रहता है। छोटे जब वो पेड़ छोटा होता है तब उसको आपको मालूम नहीं पड़ता है कि ये बड़ा होके कितना होगा, लेकिन एक बरगद का जो छोटा सा बीज है वही बड़ा होके विशाल काय एक वृक्ष बन जाता है। तो उस हिसाब से आपको यही सोचना है कि नहीं मुझे चाहे छोटा इन्वेस्टमेंट भी हो लेकिन करते रहना है, तभी मैं बाद में जाके बड़ा रिजल्ट देख पाऊंगा। आज मैं ऐसा कुछ दिखाने वाला हूं जिसको करके आपको मिनिमम 60 के एज में 5 crore रुपया ऊपर से ज़्यादा मिल सकता है, मतलब उससे भी ज़्यादा मिलेगा। क्या करना है, कैसे करना है, आगे वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे का जो वीडियो है वो मैं दिखाऊंगा और सब कुछ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि आपको कितना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, कितना टाइम तक करना है, तो आपको 5 crore से ज़्यादा रुपए मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको लेके चलता हूँ SIP कैलकुलेटर में। ये देखिए आपको दिख रहा है SIP कैलकुलेटर, गूगल प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। आप आपके अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल करके भी काम चालू कर सकते हैं, मतलब अपना हिसाब से इसको सेट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आज मैं आपको एक मिनिमम अमाउंट का हिसाब करके बताऊंगा कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने से 5 crore रुपया मिलेगा, कितने रुपए का SIP करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका उम्र जितना है, मान लीजिए आपका उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, कोई भी उम्र हो, तो आज इस SIP कैलकुलेटर के जरिए आपको बताऊंगा कितना अमाउंट आपको भरना पड़ेगा हर महीना। ये देखिए क्या है SIP, यानी आपको महीना कितना रुपए SIP करने से आपको 5 crore रुपया मिलेगा। अप्रोक्स हम मान के चलते हैं कि हमारा जब 60 का एज होगा तब हमें 5 crore रुपया चाहिए, तो उस हिसाब से आपको कितना रुपए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा और हमें 5 crore रुपया मिलेगा हमारे ओल्ड एज में, यानी रिटायरमेंट के टाइम पर। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए उस हिसाब से मैंने 5000 रुपया लगाया है मंथली SIP। मान लीजिए आपका एज 20 साल है, यानी 20 है आपका एज, तो आप अगर महीना हर महीना 5000 रुपये SIP करेंगे और एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी एक्सपेक्टेड गेन पर ईयर, आज से जब तक इंडेक्स शुरू हुआ है टोटल मार्केट का हिसाब से अगर पकड़ेंगे तो 12% 13% के हिसाब से रिटर्न दिया है। तो अप्रोक्स मतलब 13-14% किसी मतलब आगे पीछे होता रहता है, लेकिन आप मैं 12% के हिसाब से पकड़ता हूँ, इससे नीचे नहीं होने वाला है। फिर तो RD बेटर है, फिक्स डिपॉजिट बेटर है, लेकिन 12% के हिसाब से अगर पकड़ के चलेंगे, 12% आपको मिलना ही मिलना है। आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 12% मिलना है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है लेकिन ऐसा होता है और जनरली ऐसा होते आ रहा है। तो चलिए 5000 रुपये आप अगर महीना इन्वेस्ट करेंगे SIP करेंगे तो आपको देखिए 40 years आपको SIP इन्वेस्ट मतलब 40 years आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से कैलकुलेटेड अमाउंट कितना हो रहा है चलिए देख लेते हैं। 5 crore 94 lakh यानी 5 crore 94 lakh रुपीज़ हो रहा है और अमाउंट कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है 24 lakh, ठीक है। तो कितना इन्वेस्ट हुआ, कितना हमारा टोटल गेन हुआ, कितना हमें प्रॉफिट मिला है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। इधर देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट है 24 lakh रुपीज़, प्रॉफिट हमारे को मिल रहा है 5 crore 70 lakh 12101 रुपये, यानी टोटल मिला के 5 crore 94 lakh 12101 रुपया हमें मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं RD में कितना मिल सकता है। इधर देख लेते हैं एस्टिमेटेड ग्रोथ, RD में हम करेंगे तो 1.23 crore यानी 1 crore 23 lakh मिलेगा, ठीक है, और 5.1 times ग्रोथ होगा इसका। समझ लीजिए
आपको, आप अगर स्टॉक मार्केट में SIP करेंगे तो आपको 5,94,00,000 आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी 5,94,12,101 रुपए मिलना ही मिलना है, इस तरीके से अप्रोक्स मान के चल सकते हैं। अभी मान लेते हैं आपका एज है 25 ईयर्स, आप बोलोगे कार्तिक भाई 20 साल इस टाइम पर तो कोई कमाना स्टार्ट भी नहीं कर सकता, ठीक है, हो सकता है कोई कोई रेयर केस में हो कि 20 साल में वो कमाने लग जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग 25 के एज से कमाना चालू करते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं 25 के एज में हमें कितना रुपये भरना पड़ेगा, मतलब कितना रुपये का SIP चालू करना पड़ेगा जिसके वजह से हमें 5,00,000 रुपया मिल सकता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं उसको भी। तो हमारे को पहले 8,000 रुपया ऐसा मान के चलते हैं कि 8,000 रुपया भरने से क्या होता है देखते हैं। अभी कर लेते हैं 35 ईयर्स, इसको 35 ईयर्स कर लेते हैं, तो इसका कितना हो रहा है देखते हैं। चलिए ये देखिए 5,20,00,000 रुपया, जब आपका उम्र 60 होगा तब आपको 5,20,00,000 रुपया मिलेगा। इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है यानी आपको 33,60,000 रुपया भरना है, तो आपको कितना मिलेगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 33,60,000 रुपया। प्रॉफिट आपको मिलेगा ये देखिए 4,86,02,153 रुपये, यानी टोटल मिला के 5,19,62,153 रुपये आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको भरना कितना है, मंथली 8,000 रुपया भरना है और एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से मैंने पकड़ा है। अभी आपका मान लीजिए आपका उम्र 30 साल है, आप बोलोगे कार्तिक भाई मेरा उम्र 30 साल है तो उस हिसाब से हमें कितना रुपया पेड करना पड़ेगा, तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। अभी हम अप्रोक्स समझ के चलते हैं 15,000 रुपये का, तो 15,000 रुपये यार और 12% के हिसाब से लेते हैं और इधर लगा देते हैं 30 हो गया। अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना हो रहा है, तो अभी देखिए हमारा मिल रहा है 5,29,00,000 रुपया, ठीक है, हमें भरना है 54,00,000 रुपया, हमें प्रॉफिट मिलेगा जो 4,57,48,707 रुपया, यानी टोटल अमाउंट हमें मिलेगा 5,29,48,407 रुपया। तो ये हमें मिलेगा, हमें भरना कितना है 15,000 रुपया, यानी आपका एज अगर 30 है तो आपको हर महीना 15,000 रुपया SIP करने से आपको मिलेगा 5,29,48,707 रुपया मिलेगा। आप बोलोगे कई लोगों के एज 35 ईयर्स है तो उनके लिए कितना भरना पड़ेगा ये भी देख लेते हैं। चलिए तो आप हम लोग क्या पकड़ के चलते हैं, आप हम लोगों को और ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो गया, यानी 25 साल ही हमें मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ SIP का बता रहा हूँ, ठीक है, ये बगल वाले में देखिए ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसमें नहीं आया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में नहीं आया अभी, ठीक है, SIP की बात कर रहा हूँ। तो अभी आपको 27,000 रुपया पकड़ के चलना पड़ेगा, तो 27,000 रुपया आप ड्यूरेशन कितना होगा 25 होगा 60, तो चलिए अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो उस हिसाब से आपको 5,12,00,000 रुपया मिलेगा, लेकिन हाँ अभी आपको 35 अगर एज है आपका, आपको 81,00,000 रुपीज़ खरीद मतलब इन्वेस्ट करना है और प्रॉफिट में आपको आएगा 4,31,36,147 रुपीज़ प्रॉफिट में मिलेगा। टोटल अमाउंट कितना होएगा 5,12,33,147 रुपये, यानी 147 रुपीज़ मिलेगा। 5 CR 12,36,147 रुपीज़ आपको मिलेगा इस हिसाब से आप अगर इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपका एज 35 ईयर्स है तो आपको 27,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी आप सोचेंगे कार्तिक भाई आप हमेशा आप बोल रहे हो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अगर 27,000 हर महीना कोई इन्वेस्ट करता है तो उसका इनकम कितना होना चाहिए। देखिए आप अगर मिड सिटी शहर में रहते हैं तो भी आपको मिनिमम महीने का 50 से 60,000 रुपया इनकम करना पड़ेगा, और जब 50 से 60,000 रुपया आप इनकम करेंगे उसमें से आपको 50% या 50% आपको सेव करना होगा। और आप अगर आपका सैलरी अगर 1,00,000 रुपया है तो आपको ये जो 27,000 रुपीज़ है इसको इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता, जहां तक मुझे मालूम है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि मैं जिस तरीके से आपको कैलकुलेट करके दिखाया, अगर आप वो सेम टू सेम चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप जो आपका जो गोल है उस गोल में पहुंच जाएंगे। देखिए ये मैंने 5 CR का एग्जांपल लिया है, आप कम भी ले सकते हैं ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो आपके हिसाब से है। मैंने एक सबके लिए राउंड फिगर पकड़ा है कि 5 CR का जो बात है ये सफिशेंट सब लोगों के लिए सही होता है कि बाकी का ज़िंदगी उसका आराम से कट जाएगा, कोई उनको टेंशन नहीं होगा। क्योंकि जब आपका उम्र मान लीजिए यार 30 साल है, 30 साल के बाद 5 CR का जो कीमत है ना वो बहुत कम हो जाएगा, तो 5 CR आपको चाहिए ही चाहिए, यानी 5,00,000 रुपया आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने जो दिखाया है वो सिर्फ एक फॉर्मूला दिखाया है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। अगर वो पूरा डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, मैं हर वीडियो में कुछ नया नया ट्रिक बताऊंगा, किस जगह पर इन्वेस्ट करना है, कैसे SIP होता है, किस किस प्लान में SIP करके आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, तो सब कुछ इस चैनल में मिलेगा। चैनल को जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और हाँ पास में जो
घंटा है बेल का, वो ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिलना जो है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार दोस्तों।